अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज की वीडियो का मुझे बहुत टाइम से इंतज़ार था कि मैं ये कब अपलोड करूँगी। और मैं क्योंकि अपने लिविंग रूम की सेटिंग चेंज कर रही थी और मैंने सोचा था कि मैं ये सब डिटेल्स आप लोगों के साथ 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 शेयर करूँगी, लेकिन क्योंकि सेटिंग अभी भी कंप्लीट नहीं हुई तो कुछ कुछ चीज़ें मैं साथ साथ वीडियोस में आपको बताती भी रहूँगी। और जो भी फाइनल मैंने अपने लिविंग रूम को सेट किया है वो आपको आज दिखाऊँगी। आज सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं हेराज, और मैं हेराज से फर्नीचर बहुत ही कम बाय करती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का फर्नीचर बिल्कुल भी नहीं पसंद। यहाँ की प्राइसेस मुझे बहुत कम नहीं लगती। मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि यहाँ पे जाके मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा फर्नीचर शॉप्स हैं और इतनी ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी है कि इजी नहीं है एक एक शॉप पे जाके सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करना। तो यहाँ पे आज बेसिकली मैं आई हुई थी अपने स्किन केयर का एक रैग बाय करने, और ये मैं ओवरऑल आपको दिखा रही हूँ। अगर आप यहाँ हेराज में आए तो इसी तरह डिफरेंट किस्म की शॉप्स होती हैं। हेराज में आपको सेकेंड हैंड फर्नीचर भी मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर आपको किचन की कैबिनेट्स बाय करनी है या अपने रूम के लिए फर्नीचर बाय करना है, वार्डरोब्स चाहिए, कबर्ड्स चाहिए, हर तरह की यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे अभी बस चेक कर रही थी कि मुझे कुछ अपने घर के लिए यहाँ पे पसंद आ जाए, लेकिन मुझे कुछ भी यहाँ समझ नहीं आ रहा। अगर आप रियाद नए शिफ्ट हुए हैं और यहाँ पे फर्नीचर बाय करना चाहते हैं कम प्राइस में, तो आप हेराज ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पे ख्वारी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन आपको यहाँ पे कम प्राइस में चीज़ मिल भी जाती है। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ होमबॉक्स, उसकी भी प्राइसेस काफ़ी कम हैं और वहाँ से भी आपको फर्नीचर ईज़िली मिल ही जाता है। तो यहाँ पे बस मुझे कुछ स्किन केयर रैक तो नहीं समझ में आया और घर का फर्नीचर भी समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे एक कारपेट शॉप थी, हम लोग बस जाने ही वाले थे तो हमें ये रस्ते में नज़र आई थी, और मैं इस शॉप का एड्रेस नहीं ले सकी। लेकिन अगर आप हेराज में जाएं तो आपको इस तरह की बहुत सी कारपेट शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पर सेल लगी हुई है। हमारे अपार्टमेंट में टाइल्स हैं, लेकिन स्टिल हमने लिविंग रूम में कारपेट बिछाया हुआ है जो कि मैं बहुत टाइम से उठा देना चाहती थी, लेकिन हस्बैंड एग्री नहीं होते थे। वो यही कहते थे कि टाइल्स को साफ़ रखना बहुत मुश्किल है तो कारपेट यहीं पे रहने देते हैं। लेकिन जब हम इस शॉप में आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कारपेट्स के डिज़ाइंस और ये कारपेट्स कितनी अच्छी क्वालिटी की हैं। ये टर्किश कारपेट्स थी और मुझे ये बहुत ही पसंद आ रही थी। काफ़ी बड़े साइज़ में कारपेट थी और इनकी प्राइसेस 600 to 700 थी, और मुझे ये प्राइस बहुत कम लगी इतनी बड़ी कारपेट के लिए। और यहाँ पे ये छोटे वाले रग्स भी हैं, इनकी प्राइसेस भी ज़्यादा नहीं थी। 60-70 में आपको यहाँ इजीली 130-120 में भी घर के लिए रग्स मिल सकते हैं। और मुझे क्योंकि अभी कोई ऐसी शॉपिंग नहीं करनी थी, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्किन केयर रैग देखना था, लेकिन ये कारपेट्स ऐसी नहीं थी कि मैंने छोड़ देती। और ये कारपेट है जो हमने वहाँ से लिया। एल शेप सोफ़ा चेंज करके हम लोगों ने होम सेंटर से ये वाला सोफ़ा बाय किया था, और अब हमें ये कारपेट भी चेंज करना था। कारपेट उठाने के बाद इतना ज़्यादा टाइल्स पे गन नहीं था, बहुत ही हल्का हल्का सा यहाँ जो कारपेट का अपना वेस्ट है वो ही था। बस हम लोगों ने कारपेट उठा दी, और उसके बाद कुछ ये सिचुएशन है मेरे लिविंग रूम की। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि लिविंग रूम में ये वाला कारपेट और इस तरह की सेटिंग कैसी लग रही है, और कोई भी आइडियाज़ हुए तो ज़रूर बताइएगा। और ये मैं एक लॉन्ड्री बास्केट लेके आई हूँ, लेकिन मैं इसको एज अ लॉन्ड्री यूज़ नहीं करूँगी। मेरे कुछ एक्स्ट्रा मैट्स, कुछ एक्स्ट्रा टेबल रनर्स हैं जो कि मुझे इस जगह पे मैंने ये रखा हुआ था, जो कि बहुत बुरा लगता था मुझे यहाँ कुशन्स भी और ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे मैं ये बना के रखना चाह रही हूँ। और मे बी ये अच्छा लगे, तो अगर ये ना अच्छा लगा तो मैं इसको रूम में शिफ्ट करके, तो जो रूम में स्टोरेज का मेरे पास एक बॉक्स है वो यहाँ पे रख दूंगी, जो कि एब्याद से मैंने लिया था। तो अभी इसको सबसे पहले बनाते हैं। सो इसमें इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे सारी लिखी हुई थी, तो मैंने इस तरह से करके बना ली है और ये रेडी हो गई है। इसमें दो तरह के डिजाइन्स और भी थे, और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लिड बंद करके, तो ये इसकी ओवरऑल लुक है सारी। और ये यहाँ कॉर्नर में अभी मैं रख के देखना चाह रही हूँ, ये यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें कुशन कवर्स हैं, टेबल रनर्स हैं, वो सब मैं इसमें अब ऐड करके देखी। एक्स्ट्रा सारा सामान मैं
जो मेरे गाड़ी के कुशन्स हैं, जो एक्स्ट्रा मैट्स हैं, वो सब मैं इसमें डाल दूँगी। अभी मैंने प्रॉपर सेटिंग नहीं की, इसी वजह से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर रही थी। और ये मैंने काफ़ी टाइम पहले विंटर्स में ये मैक से लिया था, इसकी काफ़ी क्वालिटी अच्छी है। तो अभी मैंने सोफ़े पे ये बिछा दिया है और कुशन्स भी अभी मैंने चेंज करने हैं, जो मेरे पास थे वही मैंने मिक्स एंड मैच करके रख दिए हैं। टेबल रहा ये वाला जो है, ये शीन का है। और ये कुछ कारपेट से जो जो चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी थी और मैच कर रही थी, क्योंकि ये जो कारपेट है इसमें थोड़ा सा येलो कलर है, थोड़ा सा ग्रे है, थोड़ा सा ब्लैक है, तो बस वैसे से ही कुशन और ये सारी चीज़ें जो ऑलरेडी मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी। और ये जो सेटिंग है ये अभी फाइनल नहीं है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे मैं क्या सेटिंग करूँ। तो ये सेटिंग मैं इसलिए भी फाइनल नहीं कर रही क्योंकि इस जगह पर हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग एक रिक्लाइनर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम नहीं ले रहे, तो इस वजह से अभी मैंने फॉर द टाइम बीइंग ये सेटिंग कर दी है, जो मुझे इंस्टेंटली समझ आ रही थी कि इस कारपेट के बाद, क्योंकि जब से कारपेट उठाया है तो ये जगह काफ़ी खुली लगने लग गई है। तो इस उसके बाद से सारी सेटिंग अभी तक मैं सोच रही हूँ, और बस मैं यही सोच रही थी कि जब सारी फाइनल होगी तो मैं वीडियो बनाऊँगी। बट अभी मैंने सोचा कि अब वीडियो अपलोड करने का टाइम आ गया, मैं थोड़ा सा लाइट ऑन करके भी दिखा देती हूँ अपने लिविंग रूम को सारा। और जो मेरे पास कुशन्स थे वो ज़्यादातर ब्लैक वाइट एंड येलो ही थे, तो इसलिए वो काफ़ी अच्छे तरीके से सारी मैचिंग हो गई इस कारपेट के साथ। और मुझे लिविंग रूम बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये काफ़ी खुला हो गया। जो ग्रे कलर का डार्क कारपेट था हमने रिमूव कर दिया, थोड़े से निशान रह गए हैं, वो मैं थिनर के साथ क्लीन करूँगी। और हस्बैंड मुझे बिल्कुल भी ये कारपेट उठाने नहीं देते थे, लेकिन जब से मैंने ये कारपेट उठाया, हम लोग गए तो थे कि हम नया कारपेट बाय करके आएंगे, लेकिन हमें ये रग स्टाइल में ये वाला कारपेट मिल गया। और अब मुझे ये जगह इस तरह बहुत अच्छी लग रही है। सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे चेंज करनी है, ये कुशन की सेटिंग चेंज करनी है। अगर आप लोगों के पास कुछ आइडियाज़ हुए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी ये देखें कि मेरी जो कैंडल्स थी और जो मेरे टेबल पर रखने वाली चीज़ें थी, वो भी काफ़ी हद तक मैच हो गई हैं इस कारपेट के साथ। और ये जो फ्रेम्स थी ये मैंने काफ़ी टाइम पहले लगाई थी, ये भी मुझे सब चेंज करनी है, लेकिन मैं अभी बहुत सी चीज़ें चेंज नहीं कर पा रही हूँ। तो फिलहाल मेरी लिविंग रूम की ये सेटिंग है, जो कि मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि प्लीज़ आप ये अपलोड कर दें, तो ये मैंने अपलोड कर दिया है। ये वाला सोफ़ा था जो हमने बाय किया था, और ये बिल्कुल भी सोफ़ा कम बेड नहीं है। ये वाली इंटेंस स्टिक्स अभी मैं ऑन करती हूँ, और ये मैं बहुत बार दिखा भी चुकी हूँ, ये आपको सेंटर पॉइंट से बहुत इजीली मिल जाएंगी और काफ़ी कम प्राइस में। तो अगर आप बखूर नहीं करना चाहते तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और इससे भी काफ़ी अच्छी घर में एक खुशबू सी हो जाती है, मैं रोज़ाना ज़रूर इसको एक ऑन कर देती हूँ सुबह के टाइम, और फिर ये सारा दिन घर से इसकी खुशबू आती रहती है। थोड़ा सा बखूर से इजी भी है, क्योंकि बखूर में आपको पहले काफ़ी देर कॉयल जलाना पड़ता है। इसका ये कि जब तक ये पूरी कंप्लीट नहीं होती तो उतनी देर तक तो काफ़ी स्ट्रांग रहती है इसकी स्मेल। तो ये थी मेरी कुछ इनकम्प्लीट सी लिविंग रूम की सेटिंग, और साथ साथ जो भी डेकोर होगा आप लोगों को दिखाऊंगी। खाने में मैंने आज बनाई थी पालक और साथ कुछ आलू की टिक्कियाँ, और पालक आलू मेरे हस्बैंड की फेवरेट डिश है, तो इसलिए आज ये बनाई हुई थी। तो बस यहाँ पे अब हम अपना ये खाना खाएंगे, और आई होप कि मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।